नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर सिविल लाइन से डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृति सभागार में शनिवार 3 अगस्त को सुबह 10:30 बजे राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के 100 प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विकास सिरपुरकर, केंद्रीय मंत्री परिवहन एवं राजमार्ग विभाग भारत सरकार नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य देवेंद्र फडणवीस, पूर्व सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम उपस्थित रहेंगे। तो वही अध्यक्ष के रूप में कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे और प्रति कुलपति डॉक्टर संजय दुते, पूर्व छात्र मेलावा समिति अध्यक्ष पूर्व कुलपति डॉक्टर मुरलीधर चांदीकर, समिति सचिव डॉक्टर कल्पना पांडे, छात्र विकास विभाग की प्रभारी निदेशक डॉक्टर राजेश सिंह इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 1953 में विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी चंद्रकांत देवरस, 1953 स्नातक लोकमत संपादक कमलाकर धारव, न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण, न्यायमूर्ति सुनील सुरे, न्यायमूर्ति वसंती नाइक, 19 पूर्व कुलपति, कला क्षेत्र से गिरीश ओक, देवेंद्र दोड़के, यशस्वी चव्हाण, देवाशीष नाहा, पराग भावसार, सौर उद्योग के प्रबंध निदेशक मनीष नवाल, शशिकांत चौधरी, कमल प्रताप का, ब्रिगेडियर प्रमोद मिश्रा, कमांडर आशुतोष रिधुरकर, इंजीनियरिंग क्षेत्र से कर्नल रामदास पुचे, डॉक्टर देवयानी पुचे सहित इस सभा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। शंभर वर्षात पहिल्यांदाच होतो आहे हा मेळावा। आणि मग जेव्हा आपण हा मेळावा घ्यायचा ठरवलं, तर त्याच्यात असं की नुसताच मेळावा म्हणून काय करायचं, तर आम्ही सगळे तुमच्यासारख्या लोकांची मदत घेतली, आपणही सगळे बसून आणि निरनिराळ्या क्षेत्रात नागपूर विद्यापीठाचे कुठे कुठे मुलं गेलेले आहेत त्यांना त्यांचा शोध घेणे। आता कसं आहे की 4 तारखेला शताब्दी समारोहाची सांगत आहे, म्हणजे 3 कार्यक्रम घेणं भाग आहे, त्याच्यामुळे पाऊस असला तरी, लोक कमी असले तरी, गैरसोयी असली तरी कार्यक्रम हा उद्याच घेणे आहे, कारण 4 समारोहाची सांगता होती आहे म्हणून 3 हा कार्यक्रम। मग जेव्हा आम्ही सगळे बसलो आणि नावं काढले, तेव्हा लक्षात आलं की नागपूर विद्यापीठाचे भरपूर लोक असे आहेत की जे खूप ठिकाणी आहेत। दरवर्षी नागपूर विद्यापीठातून 2 पोरांना डिग्र्या मिळतात दरवर्षी। साधारण दरवर्षी नागपूर विद्यापीठ 1700 परीक्षा कंडक्ट करत असते आणि त्याच्यामुळे हा जो माजी विद्यार्थ्यांचा समूह आहे हा खूप मोठा आहे, इतक्या मोठा। आणि 100 आपण विचार केला की 100 म्हणून तितक्या लोकांना भेटणे, तर तिथे आम्ही खूप कमी करू। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दुनिया सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एथलीटों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, उद्यमियों, भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पूर्व छात्र इस सभा में उपस्थित रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।